प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागबरे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। फर्जी टीआरपी मामले में दोषी साबित हुए तो चैनल मालिकों को हो सकती है लंबी जेल। मोदी हुकूमत के पॉलिसियों से हिंदुस्तान कमजोर हुआ, नोबल इनाम विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का बयान। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत हुई मंजूर। बच्चे पैदा करने वाले वालिदैन को मिलेगा बड़ा बोनस, सिंगापुर सरकार। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फर्जी टीआरपी मामले में दोषी साबित हुए तो चैनल मालिकों को हो सकती है लंबी जेल। मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी रॉकेट का खुलासा करने के बाद रिपब्लिक टीवी समेत 3 न्यूज चैनलों की हालत खराब हो चुकी है। ये 3 चैनल अब खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पुलिस ने इनसे जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टीआरपी रॉकेट का खुलासा करते हुए दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रोपेगेंडा चलाकर झूठी टीआरपी जुटाने का रॉकेट चलाया जा रहा था। लोगों को पैसे देकर फॉल्स टीआरपी हासिल की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी के संचालकों से पूछताछ करेगी, जबकि अभी तक 2 मराठी चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 409 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आरोप साबित होने पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। पुलिस का दावा है कि ये चैनल टीआरपी पाने के लिए हर महीने ग्राहकों में 500 रुपये दिया करते थे। इसके बदले टीवी और मोबाइल को ऑन रखा जाता था। देश में ये टीआरपी रॉकेट का पहला मामला है। ये एक नया डिजिटल क्राइम है। इसका मतलब ये हुआ कि रोज जो टेलीविज़न पर हंगामा होता था वो सब फर्जी था। हम आपको बता दें कि जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है उसको कंपनियों से ज़्यादा एड्स मिलते हैं, जिससे ज़्यादा कमाई होती है। चैनल अपनी कमाई के लिए रोज़ाना टीवी पर देश की और दूसरे लोगों की इज्जत को उछालते रहते हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। ये तू नहीं तेरा इश्तियार बोलता है, कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ, नोबल इनाम विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का बयान। बिजनेस चैम्बर्स फिक्की की ओर से आयोजित की गई एक सभा में बात करते हुए नोबल इनाम विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने मोदी हुकूमत पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाल रही है। इस तरह की बुनियादी तकसीम हिंदुस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर कर देगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। एक बिखरा हुआ समाज में सियासी बिखराव पैदा करने की कोशिश करते हुए मोदी हुकूमत ने आपके मुल्क को फूट का शिकार बनाने की कोशिश की है। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जा रहा है। आपके समाज और इकोनॉमी को कमज़ोर किया जा रहा है। इस तरह की बुनियादी उथल पुथल से हिंदुस्तान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और मोदी के नए नारे आत्मनिर्भर नारे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो खुद आत्मनिर्भर है, हर ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं मुल्क, कहा जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने। देश के आज के हालात के लिए कौन कितना जिम्मेदार है ये देश को सोचने की ज़रूरत है। एक ज़माना था जब लोग यहाँ के कल्चर की तारीफ करते थे, मगर आज एक नोबल प्रशस्ति विजेता ये बात कह रहे हैं तो सरकार को इस मामले में सोचना होगा। देश की एकता और अखंडता कायम रहेगी तो ही भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सकता है।
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत हुई मंजूर, मगर अभी जेल से रिहा ही नहीं। बिहार चुनाव के दरमियानी आरजेडी यानी राष्ट्र जनता दल के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी सरबरा लालू प्रसाद यादव को चाय बसा तेजरी केस में जमानत मिल गई है, मगर लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि दिमका तेजरी केस के मामले में कोर्ट की सुनवाई अभी बाकी है। लालू प्रसाद ने चाय बसा तेजरी केस में आधी सजा पूरी होने का हवाला देते हुए जमानत के लिए दरखास्त दी थी। इस जमानत अर्जी को आज कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, मगर चारा घोटाला में जो सजा सुनाई गई थी इसकी सुनवाई बाकी है। अब इस केस में लालू की सजा नवंबर में आधी हो जाएगी, जिसके बाद इनको हो सकता है इस मामले में भी जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद का देश के दिग्गज नेताओं में नाम लिया जाता है। एक जमाना था जब लोग कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार की राजनीति में रहेगा लालू। मगर वक्त भी अजीब है, जिसने सभी के लिए एक लाइफ पैकेज बना कर रखा है। किसी को कभी बुलंदी देता है और किसी को बुलंदी से नीचे उतार देता है। बच्चा पैदा करने वाले वालिदैन को मिलेगा बड़ा बोनस, सिंगापुर सरकार। एशिया का वो मुल्क सिंगापुर, जहां जाना सबकी चाहत होती है। ये छोटा सा मुल्क बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक है, जहां कई फिल्मों की शूटिंग होती है। सिंगापुर वो मुल्क है जहां पैदाइश की शरह दुनिया में सबसे कम है, और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के दौरान अब यहां लॉकडाउन के चलते कई लोग अपनी नौकरियां खोने की वजह से माँ बाप बच्चे पैदा करने के प्लान को तर्क कर रहे हैं। इसी के चलते सिंगापुर हुकूमत ने नया मंसूबा तैयार किया है, जिसमें बच्चा पैदा करने वाले वालिदैन को बोनस देने का ऐलान किया गया है। सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैंग स्यू केट ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। सिंगापुर हुकूमत हालिया पॉलिसी के तहत वालिदैन बनने वाले शहरी को $10,000 प्राइम करती है, जिसकी हिंदुस्तानी रुपयों में 5,40,000 रुपए कीमत होती है। खुदा की कुदरत भी अजीब है। कुछ लोग फेंक आते हैं सड़कों पर औलादों को और कुछ तरस जाते हैं कुदरत के इस खजाने को, मगर मामला यहाँ अजीब है। सरकार दे रही है इनाम अपने बच्चे पैदा करने का। देश में कोरोना के हालात, पिछले 24 घंटों में देश में 70,496 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 69,06,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 964 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 106,521 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,02,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 59,06,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 85.1% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.54% हुआ है। देश में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कर्नाटक में पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारी मास्क नहीं पहनने वालों पर अब ₹250 का जुर्माना लगा रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को जुर्माने और कोरोना से बचाइए। आज 9 अक्टूबर है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। 1876 में आज ही के दिन पहली बार टेलीफोन पर आउटडोर के माध्यम से दो तरफ बातचीत हुई थी। आज ही के दिन 1945 में मशहूर सरोद वादक अमजद अली खान का जन्म हुआ था। लड़कियों की शिक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली नोबल प्रशस्ति विजेता मलाला यूसुफ पर आज ही के दिन तालिबान ने गोली चलाई थी। 1888 में आज ही के दिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की याद में बनाया गया वाशिंगटन स्मारक को जनता के लिए पहली बार खोला गया था।
और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।